कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे तो आज मैं बनाने वाली हूँ साग गुर्दा साग गुर्दा यानी साग बोले तो एक हरी भाजी होती है आप कोई भी हरी भाजी को साग की भाजी बोल सकते हैं जैसे कि मेथी की भाजी हो गई पालक की भाजी हो गई शेपू की भाजी हो गई कोई भी साग की भाजी लेकर आप इसमें गुर्दे में डालकर बना सकते तो चलिए बनाना स्टार्ट करते तो हैं है। बहुत ही है। उसके साथ में मैं बनाने वाली हूँ दाल दूधी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से सिर्फ उसमें सेम दाल गोश्त के जैसा ही लगेगा सिर्फ उसमें गोश्त नहीं होगा मगर हाँ। उसका टेस्ट इतना बेहतरीन होगा कि आप जान भी नहीं सकते और ये दोनों का क्या सिर्फ कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है और दाल दूधी जो है वो आप ऐसे भी चावल के साथ में भी खाएंगे तो भी कभी कभी बनाकर वो भी बहुत टेस्टी लगती है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो इधर पे मैं क्या कर रही हूँ वो भी देख ले तो इधर पे मैंने गैस को ऑन करी हूँ और उसके ऊपर रखी हूँ एक कढ़ई कढ़ाई को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे उसमें डालेंगे चार से पाँच चम्मच तेल तेल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं तो चलिए इसमें डालेंगे तीन मीडियम साइज की प्याज आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसे कटिंग कर लीजिए जैसे आपको कटिंग करना वैसे आप कटिंग कर कर सकते हैं बर बराबर बर चलिए अभी हम क्या करेंगे प्याज का कलर हल्का हल्का सा चेंज कर लेंगे है ना एकदम ज़्यादा लाल भी नहीं करना है एकदम ज़्यादा वाइट भी नहीं करना है गैस को हमें क्या करना है मीडियम पे ही रखना है बराबर है तो चलिए इसके बीच में मैं कुछ चीज़ को याद कर रही थी ये करेंगे ये करेंगे वो करेंगे बाहर झाँक रही भी थी है ना क्योंकि मुझे शाम को बनाना था केक केक के बारे में ही मैं सिर्फ सोच रही थी क्या हो गया केक का सारा सामान तो घर में आ चुका है अब वो जब तक बनाऊंगी नहीं जब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा है ना सिर्फ तो चलिए प्याज का कलर चेंज हो जाने के बाद में मैंने इसमें डाली तीन मीडियम साइज के टमाटर टमाटर को भी आप अपने मर्जी के हिसाब से ही कटिंग कर लीजिए तो चलिए अभी टमाटर डालने के बाद में मैं इसमें डालूंगी कुछ पाउडर मसाले तो पाउडर मसालों में मैंने ली हूँ दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए ये वीडियो बनाने के बाद मैं आसिफ बोला था मम्मी कितना फास्ट फास्ट तुमने उंगली घुमा दी है चलिए अभी इसके अंदर डालेंगे दो चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट तो चलिए अभी अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दें थोड़ा सा वाटी को मैं खंगाल कर डालूंगी मसाले या कोई भी चीज़ों को वेस्ट मत कीजिए सारी चीज़ें धो धा के पोच पाच के कड़ाई में डालिए उसी का मजा आएगा अभी ये सब डालने के बाद में हम इसे हल्का सा दो मिनट तक का मसाले भून लेंगे भूनने के साथ में हम इसमें गुर्दा डालेंगे मुझे थोड़ा सा तेल कम लग रहा था तो एक चम्मच तेल मैंने और इसमें डाली है ना? क्योंकि जब हम भाजी इसमें ऐड करेंगे तो इसमें तेल जल्दी नजर नहीं आएगा पानी पानी नजर आएगा। पानी पानी नजर आएगा तो मैं इसमें तो पालक की भाजी डालने वाली हूँ पालक की भाजी को मैंने काट कर धोकर अच्छी तरह से रखी हूँ और मैं कैसे हुआ टुमक, 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 टुमक से चलती हूँ ये देखो <laughs> है ना तो चलिए इधर पे मैंने ली हूँ एक डजन गुर्दे एक डजन यानी बारह गुर्दे मैंने इसे अपने हिसाब से कटिंग कर ली हूँ इसमें मैंने डाली थी आधा चम्मच हल्दी हल्का सा नमक और एक नींबू का रस ये सब डाल के मैंने इसे एक घंटे के लिए मिक्स करके रखी थी उसके बाद में मैंने इसे चार से पाँच पानी से धो ली इससे क्या होगा जो गुर्दों में जो इस्मेल आती है ना एक अजब सी स्मेल आती है ना वो स्मेल नहीं आएगी आप एक घंटा भी रख सकते हैं आप आधा घंटा भी रख सकते हैं उसके बाद में आप इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए तो ये देखिए ये हो गया अभी हम इसे इस मसालों में डाल देंगे ये मैंने डाल दी अब डालने के बाद में इसे सिर्फ मिक्स करेंगे एक मिनट तक का उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी आधा कटोरी दही दही आप बगल फेटे भी डालेंगे तो भी चलेगा कोई बात नहीं बराबर ना सिर्फ बराबर तो चलिए अभी दही डालने के साथ में एक बार मैं इसे चम्मच चला लूंगी आप लोग देखते जाइए मैं कैसे बना रही हूँ एकदम सही जा रही हूँ मैं हम्म तो चलिए अभी हम इसमें डाल लेंगे तुरंत ही पालक की भाजी तो पालक की भाजी को मैंने साफ करके धो के कटिंग करके ले ली हूँ छन्नी की मदद से उसका सारा पानी निकाल चुकी हूँ तो एक जूरी मैंने पालक की भाजी ली थी है ना अब ये सारी पालक की भाजी इसमें डाल लेंगे छन्नी को अच्छी तरह से साफ करेंगे एक भी पत्ता छन्नी में छूटना नहीं चाहिए छोटा थे ना इसमें गुर्दा नहीं डालेगा तो गोश्त भी डाल के बना हाँ तो। अगर आपको गुर्दा नहीं डालना है तो सेम इसी तरह से इसी मसालों में आप गोश्त भी बना सकते हैं बकरे का गोश्त हो गया चिकन का हो गया या आप का खाते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं है ना बरे का खा रहे हो तो आप कुकर में लगाइए कम से कम छः से सात सीटी लीजिए और बकरे का ले रहे हैं तो अगर आप इसको कम से कम दस से पंद्रह मिनट में आपका रेडी हो जाएगा तो चलिए अभी हम इसे अच्छी तरह से गुजरे भी गला लेंगे भाजी भी गला लेंगे और जो इसके अंदर जो पानी है उसे भी हम सुखा लेंगे तो चलिए अभी कितना मिनट लगेगा हमें पांच से छह मिनट हाँ। है ना पाँच से छह मिनट में हमारा गुजरा भी गल जाएगा सब रेडी हो जाएगा तो ये देखें यहाँ पे हमारा पानी भी सूख गया और भी गल चुका है और भाजी भी अच्छी तरह से गल चुकी है तो मैं क्या कर रही थी लो वो मैंने परसों जर्दा बनाई थी और जर्दा बचा हुआ था उसी को गर्म करके मैं एक एक चम्मच खाते जा रही थी मुझे जर्दा बहुत पसंद है मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं खा रही थी तो चलिए इधर पर अभी ये अच्छी तरह से पक चुका है रेडी हो चुका है ना चलिए <laughs> तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं हमारी दाल दूधी की तरफ तो इधर पे मैंने वो तो गैस मैंने बंद कर दी हाँ, इधर पे मैंने ली हूँ एक कुकर कुकर में डालूंगी मैं मसूर की दाल तुअर की दाल और मूंग की दाल ये तीनों दाल मिक्स में बनाऊंगी जैसे कि अभी मैं कितना ली हूँ ये बता दू आपको तो मैंने ली हूँ एक वाटी तीनों मिक्स दाल आ, एक है ना अभी आपके घर में ज्यादा बनता है तो आप ज्यादा बनाइए कम बनता है तो इससे भी कम बनाइए अभी मैं दोनों टाइम का खाना बना रही हूँ है, है ना तो चलिए अभी तीनों दाल मैंने मिक्स ले ली एक वाटी अभी हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे चलिए धो लेते हैं पहला फटाफट से है ना मस्त अभी बहुत सा काम बाकी है बर्तन लगाना बाकी है क्या हुआ मैं कल गई थी बम्बई कुछ केक का सामान लाने के लिए तो इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला कुछ भी काम करने के लिए Office अगर फिर आप लोग को देखना है कि केक का सामान ने का से लिए तो वीडियो अपलोड है अप तो रेसिपी आप हाँ, देख आप देख सकते हैं तो चलिए इधर पे हमने दाल को धो ली अभी मैं इसमें डाली हूँ एक गिलास पानी अभी मैं इसमें डालूंगी हल्का सा हल्दी पाउडर तीन मीडियम साइज के टमाटर और चार से पांच हरी मिर्च है ना काट के बीच काट, काट के अभी ये सब डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल तेल डालना ऑप्शनल है मैं तेल इसलिए डाल रही हूँ कि दाल उबल के बाहर न आए है ना तो चलिए अभी मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी एक तरफ मैं गैस को ऑन कर दूंगी और ये कुकर को रख दूंगी और मैं लूंगी कितनी सीटी बोली थी मैंने तीन सीटी तीन सीटी लूंगी हम्म तीन सीटी <coughs> तो चले यहाँ पर ये टोपी इधर से उधर नाच रहा है क्योंकि वो इसका टोप था अरे मैं जल दे का थोड़ा सा जल्दा बजायदा फिर भी मैं उसे यूज कर रही थी और ये कुर्ती माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगती है ये जो कुर्ती कौन सी है लकड़ों ही खुलती है देखो मैं ही भूल जाती हूँ सब चीज़ <laughs> भूलो ऐसे करके तो चलिए अभी इधर भी हमारी दाल गल चुकी है अभी दाल को हम अच्छी तरह से घोक लेंगे ये देखिए मैं अच्छी तरह से घोक ली इसमें थोड़ा पानी कम था तो मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाल के इसे अच्छी तरह से घोक ली तो चलिए अभी इसका इसके अंदर इसे मैं उबालने के लिए रख दूंगी उबालने से उबालने से पहले मैं इसमें दूधी भी डालूंगी हाँ। है ना गैस पे रखेंगे उसके बाद दूधी डालेंगे दूदी डालेंगे सही बात है तो चलिए दूधी आप अपनी मर्जी के हिसाब से जैसा आपको कटिंग करना है कर सकते हैं तो चलिए अभी मैंने इसमें दूधी डाल दी अभी मैं इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लूंगी और दूधी को भी मैं गला लूंगी है ना दो दो काम हमारा एक साथ हो जाएगा अभी एक तरफ मैं हाँ इसका मसाला रेडी करूंगी तो मैंने डाली हूँ तीन चम्मच ऑयल ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा अभी डालेंगे साबुत अखे गरम मसाले गरम मसाले जैसे लौंग इलायची दालचीनी काली मिरी तेज पत्ता भी ले लेंगे साथी में हो गया अभी साथी में इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज कटिंग करके कटिंग करके अभी इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे एकदम हल्का सा है ना नहीं <laughs> इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे तो हो गया इधर भी मेरे ग्रीन टी पीने का टाइम हो गया है ग्रीन टी पीने का टाइम हो गया तो इधर मैं ग्रीन टी पी रही हूँ वीडियो में आवाज देते वक्त आसिफ मुझे बहुत ही हंसा आया और मैं हंस रही हूँ इसीलिए आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है देखिए चुप मारूंगी ठीक है तो चलिए अभी प्याज का कलर चेंज हो जाने के बाद में एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए तो चलिए ये सब मैंने डाल दी अभी हम इसमें हल्का सा पानी डाल के ये देखिए है ना अभी इसे हम दो मिनट तक का भून लेंगे अच्छी तरह से जो इसमें जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए घास को हमें मीडियम पे रखना है फिर से मैं बार बार बोलती हूँ आप कोई भी रेसिपी बनाएंगे तो घास को मीडियम पे रखिए एकदम हाई पे मत रखिए अगर आप पानी बॉईल करेंगे तो ही आप को फुल पे रखिए तो चलिए इधर पर हमारी दाल भी उबल गई है और दूधी भी झटपट से गल गई है तो चलिए ये उठा के हमने इस मसाले में डाल माशा माशा और ये दाल दूधी तो बहुत ही बेहतरीन लगती है हमारे घर में बहुत लोग बहुत बहुत सब लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं अभी पानी आप अपने हिसाब से डालिए कम या ज्यादा कर सकते हैं जितना आपको पतला चाहिए उतना पतला रखिए अगर आपको घट चाहिए तो आप घक रखिए बरबर आ बराबर तो चलिए तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पानी वगैरह सब डालने के बाद में इसमें उबाल भी आ गया एक उबाल ले ली मैंने उसके बाद में मैंने इसमें डाली थोड़ा सा इमली का खट्टा है ना यानी इमली का पानी मैंने इसमें डाली तो थोड़ी सी इमली को आप भिगा लीजिए उसे अच्छी तरह से निचोड़ के उसका पानी इसके अंदर डाल दीजिए है ना अभी इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी और आधा चम्मच मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर बराबर बराबर अभी इसमें जाएगा एक बूंद बून केरासेंट माशाल्लाह माशाल्लाह अभी इसमें जाएगा हल्का सा हरा धनिया हल्का सा पुदीना हरी मिर्च को हम बीच में से कटिंग करके डालेंगे और थोड़े से करी पत्ते ये सारी चीजें हम इसमें डाल लेंगे हल्का सा पानी मैंने इस पे ऊपर छिड़क दी हूँ अभी इसे मिक्स करके मैं सिर्फ दो मिनट पकाऊंगी उसके बाद में मैं गैस को कर दूंगी बंद बरबर जैसा और एकदम दालचा दिख रहा है बस इसमें मैंने गोश्त नहीं डाली और बाकी सारी चीजें सेम टू सेम मैंने दालचे जैसी ही बनाई हूँ बराबर है जीरा राइस के साथ में खाइए इसके रा, साथ में आप पापड़ फ्राई कीजिए या कोई भी अगर आप वेज है तो वेज के हिसाब से आप कोई भी पनीर की भाजी भी बनाकर इसके साथ में खा सकते हैं और नहीं भी खाएंगे तो भी ये ऐसी बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में तो चलिए अभी देरी हो चुका है मैं आपको अभी दिखाती हूँ सर्व करके तो सबसे पहले मैं गुर्दा निकालूंगे तो ये देखिए गुर्दा थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में उसका कलर कितना अच्छा चेंज हो चुका है उसमें ना तरी भी अच्छी छूटी है और कितना घट हो गया है इसे आप नान के साथ पाव के साथ चपाती के साथ भी आप इसे खा सकते हैं तो चलिए अभी हम निकालते हैं दाल दूधी तो ये माशाल्लाह दाल दूधी की तो बात ही अलग है ये देखिए ना दाल दूधी किसी को भी दो हर हर इंसान इसे पेट भरकर खाता है तो इसे हम लोग खाने वाले हैं पाव के साथ में तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल अफरोज़ किचन और मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है तो गाइस आप लोग मुझे मेरे ब्लॉग चैनल पर भी सपोर्ट कीजिए मेरे ब्लॉग चैनल का नाम है अफरोज रेसिपी ब्लॉग तो चलिए आपको मैं एक थोड़ा सा खाकर बताती हूँ तो चलिए बिस्मिल्लाह बोलते हैं और खाते हैं तो चलिए माशा चटपटा बनाता आ, बना आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए बहुत टेस्टी और बहुत ही जबरदस्त सुपर से भी ऊपर मस्त मस्त तो चलिए अल्लाह हाफिज अल्लाह टाटा